नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देश में बढ़ती महंगाई से आम लोगों से लेकर खास लोगों तक सभी त्रस्त हैं। कोरोना के कारण लोगों की आमदनी घट गई, करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, लेकिन महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। विशेषकर खाद्य सामग्रियों की कीमतों ने आम लोगों को परेशान कर रखा है। लोगों को हर माह घर के बजट में कटौती करनी पड़ रही है। पिछले एक साल में आम आदमी का खर्च 15 से 25% तक बढ़ गया है। महंगाई का असर केवल खाद्य सामग्रियों पर ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि मेडिकल और यात्रा पर भी पड़ रहा है। 5 फरवरी 2020 से लेकर 5 फरवरी 2021 तक दाल की कीमत में 10 से 25 रुपए प्रति किलो इजाफा हुआ है। वहीं सरसों तेल में 30 से 40 रुपए और रिफाइन में 40 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो चुका है। चाय के दाम में 40 से 100 रुपए की बढ़ोतरी। खुली चाय पत्ती में एक साल में 40 रुपए से 100 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। पहले जिस चाय की कीमत 240 रुपए प्रति किलो थी, वो बढ़कर 280 रुपए प्रति किलो हो गया है। वहीं 600 रुपए किलो बिकने वाली चाय अब 700 रुपए प्रति किलो हो गया है। खुदरा विक्रेताओं की माने तो इसमें और वृद्धि होने की संभावना है। आसमान छू रही दाल की कीमतें। पिछले एक साल के दाल की कीमत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3-4 दिन में ही दाल की कीमत में 100 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ोतरी हो चुकी है। अरहर का दाल 100 रुपए किलो पहुंच गया है। इसके अलावे अन्य दालों के दाम में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसका असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। खाद्य तेलों के दाम भी तेजी से बढ़े। खाद्य तेल के दाम तेजी से बढ़ने के कारण लोगों का जायका बिगड़ गया है। पहले जहां रिफाइन 125 रुपए प्रति लीटर मिलता था, तो वहीं अब उसका एमआरपी बढ़कर 160 रुपए तक जा पहुंचा है। हालांकि कुछ दिन पहले इसकी कीमत 145 रुपए थी, उसके बाद 160 हुई। सरसों तेल की कीमत भी तेजी से बढ़ी है। धारा तेल का एमआरपी जहां 160 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि इंजन तेल का एमआरपी 180 रुपए तक जा पहुंचा है। एलपीजी सिलेंडर भी हुआ महंगा। आम बजट 2021-22 के बाद तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। पिछले 3 माह में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में 125 रुपए की वृद्धि हुई। अभी 4 फरवरी को बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। पटना में अब इसकी कीमत 817 रुपए 50 पैसे हो गई है। एलपीजी वितरकों की माने तो पिछले 3 माह से पुरानी ही सब्सिडी लोगों को मिल रही है। सब्सिडी कम मिलने को लेकर आए दिन एजेंसी के प्रबंधक और ग्राहकों के बीच विवाद होता रहता है। सरकार को इस मुद्दे पर नीति को स्पष्ट करना चाहिए। पेट्रोल 13.47 रुपए और डीजल 14.43 रुपए हुआ महंगा। पिछले एक साल में पेट्रोल की कीमत में 13.47 रुपए और डीजल की कीमत में 14.43 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2020 में पेट्रोल 75.91 रुपए प्रति लीटर था और 5 फरवरी 2021 को इसकी कीमत 89.38 रुपए प्रति लीटर हो गई। वहीं डीजल मार्च 2020 में 68.49 रुपए प्रति लीटर था, जो 5 फरवरी को बढ़कर 82.92 रुपए लीटर हो गया। दवाओं की कीमतें 30% तक बढ़ी। जीवन रक्षक दवाओं की कीमत भी लगातार बढ़ रही है। इसके कारण लोगों को अतिरिक्त मार पड़ रहा है। खासकर बीपी और शुगर की दवाओं की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। दवाओं की कीमतों में 30% की बढ़ोतरी हुई है। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट दुकानदारों की माने तो पिछले 2 माह में शुगर और बीपी की दवाओं की कीमत में 20 से 25% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। कारोबारियों की माने तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के कारण सामग्रियों की ढुलाई पर असर पड़ा है। सुधा दूध भी अब हुआ महंगा। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड यानी कि कॉम्फेड ने सुधा दूध और अन्य उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। दूध के दाम 1 से 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाए गए हैं। हालांकि दुग्ध उत्पादकों के प्रयोग के लिए कॉम्फेड द्वारा उत्पादित पशु आहार की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। कॉम्फेड के मुताबिक दूध की कीमतों में ये वृद्धि 1.5 साल बाद हुई है। इसके पहले नवंबर 2019 में बढ़ोतरी की गई थी। बिजली, पेट्रोलियम पदार्थों, पॉलिथीन सहित अन्य खर्चों में वृद्धि हुई है। इसके चलते सुधा दूध के दाम में बढ़ोतरी की बाध्यता हो गई है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि महंगाई कहां जाकर रुकती है और सरकार इसे रोकने के लिए क्या उपाय करती है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।